Good morning, all of you. Can you hear me? We can start. Please reply in the question box. Can you hear me? Mr. Rakesh, Mr. Dheeraj, Mr. Aditya, Mr. Vishal, can you hear me? Please reply. Good morning, all of you. Okay. So, kal hum log ne BTSC mein kya liya tha? LIC Housing Finance liya tha? Yes or no? Tata Motors liya tha? Reliance liya tha? Jubilant Food liya tha? और एशियन पेंट्स लिया था, करेक्ट? यस, तो एशियन पेंट्स और जुबिलेंट फूड ऑलमोस्ट फ्लैट है, आधा आधा परसेंट, आधा परसेंट भी नहीं है, एशियन पेंट तो ऑलमोस्ट कॉस्ट प्राइस के आसपास है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में पैसा आ रहा होगा, रिलायंस में पैसा आ रहा होगा, चेक कर लो। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में पैसा आ रहा होगा, रिलायंस में पैसा आ रहा होगा, चेक कर लो। रिलायंस बाय दिया था इसने भी, यस, एशियन पेंट्स भी आप होल्ड कर सकते हो, जुबिलेंट फूड भी आप होल्ड कर सकते हो, कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं है, ठीक है, पैनिक होने का जरूरत नहीं है। एसबीआई मैंने दिया था, ये भी ऊपर आने लगा है, और टाटा मोटर्स मैंने दिया था, ये भी ऊपर आ रहा है, तो यस, आप होल्ड भी कर सकते हो, ट्रेलिंग एसएल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीटीएसटी में आपको प्रॉफिट आ रहा होगा। अच्छा, निफ्टी का मैंने क्या व्यू दिया था कल, कैन एनीवन टेल मी, मैंने क्या व्यू दिया था निफ्टी में? बुलिश दिया था, बेरिश दिया था, क्या बोला था, क्या व्यू दिया था हम लोगों ने, क्या डिस्कस किया था वेबिनार में? आपको याद होगा मैंने 17,500 का टारगेट दिया था, याद है? 17,500 का टारगेट दिया था, बुलिश। निफ्टी ऊपर जा रहा है, करेक्ट, यू कैन सी ऊपर जा रहा है। कल आपको याद होगा, कितने लोग को याद है, मैंने IRCTC पे भी ध्यान देने बोला था, याद है? IRCTC पे भी ध्यान देने बोला था मैंने, करेक्ट। अभी एक काम करते हैं, इंट्राडे लेवल्स पहले डिसाइड कर लेते हैं, निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा, और उसके बाद में हम लोग स्टॉक्स पे ध्यान देंगे, बाइंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, शॉर्ट्स वाले ट्रेड्स हम लोग कम देखेंगे, ठीक है? तो बाइंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, लेट्स स्टार्ट। सो निफ्टी का अगर बात करें तो रेजिस्टेंस जो आता है वो आता है ये लेवल, ये जो गैप रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये आता है लेवल 17,600। ये जो गैप है ये तो पूरा फिलअप हो चुका है, करेक्ट, ये पूरा फिलअप हो चुका है, तो अब ये गैप का कोई मतलब नहीं है, अब नेक्स्ट जो गैप है वो ये है। सो दिस इज अ रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी, 17,600, 17,500, 17,600। तो निफ्टी का रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा ऊपर आ चुका है, इनफैक्ट मैं यहाँ पर 17,600 ही लिखता हूँ, क्योंकि 17,500 के आसपास तो कोई वैसे भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो 17,600 से लेके 17,700, ये 100 पॉइंट की रेंज में रेजिस्टेंस है, ठीक है? सपोर्ट देख लेते हैं, सपोर्ट जो है वो ये गैप रहेगा, बट ये जो गैप है ना यहाँ पर, ये सपोर्ट का काम करेगा। अभी ये जो लेवल है ना यहाँ पर, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा होगा, ये सपोर्ट का काम करेगा 17,300 के आसपास, ठीक है? 17,200, 17,300, ये लेवल अब सपोर्ट बन गया है, पहले ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया है, 17,200, 17,300। तो निफ्टी का आज का इंट्राडे लेवल ये है, इज दिस पार्ट क्लियर, प्लीज रिप्लाई। निफ्टी का इंट्राडे लेवल्स ये है आज का, ये लेवल्स पे आपको ध्यान देना है इंट्राडे के लिए, करेक्ट। बैंक निफ्टी का लेवल एक बार देख लेते हैं, बैंक निफ्टी मैंने आपको याद होगा मैंने बोला भी था 300-400 पॉइंट और ऊपर जा सकता है, 38,500 तक लगता है बैंक निफ्टी, करेक्ट। सो 38,500 तक का मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर आता है, 38,800 के आसपास आता है, तो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस जो है वो काफी ऊपर इंक्रीज हो चुका है, 38,800 है अभी, 39,000 ये रेजिस्टेंस है। सपोर्ट देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का सपोर्ट आएगा ये लेवल 38,000 के आसपास, इनफैक्ट 38,000, हाँ 38,000 से लेके 37,800, तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट ये आता है अभी 37,800 से लेके 38,000। सो निफ्टी का लेवल्स ये है, बैंक निफ्टी का लेवल्स ये है, इज दिस पार्ट क्लियर? ये इंट्राडे लेवल्स है, अगर ये लेवल्स के आसपास आता है तो आपको ट्रेड प्लान करना है, ठीक है? अभी हम लोग स्टॉक्स के तरफ ध्यान देंगे, तो एक बार मैं ये सब रिमूव कर देता हूँ और स्टॉक्स के तरफ हम लोग फोकस करते हैं।
कौन से स्टॉक्स में ट्रेड लेना चाहिए। हाँ, पेयर ट्रेड अभी भी ओपन है, करेक्ट। पेयर ट्रेड का एमटीएम बता दो मुझे, व्हाट इज द एमटीएम पेयर ट्रेड का मिस्टर पीवी मूर्ति? पेयर ट्रेड अभी भी ओपन है, करेक्ट। एमटीएम 10K लॉस, 10K लॉस है मिस्टर पीवी मूर्ति। ठीक है, जिसने जिसने ट्रेड किया है मुझे अपना ट्रेड खाली व्हाट्सएप कर दो, तो उसके ऊपर हम लोग कुछ रिपेयर प्लान करेंगे। तो अगर आपने पेयर ट्रेड लिया है कल वाला और स्क्वायर ऑफ नहीं किया, अभी भी होल्ड कर रहे हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो ट्रेड, ठीक है? तो मैं आपको रिपेयर प्लान करके बता दूंगा। यस, पेयर ट्रेड अभी भी ओपन है, करेक्ट। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं स्टॉक्स, स्कैनिंग चालू करते हैं, वेट 1 मिनट। वॉल्यूम स्कैन के हिसाब से कौन सा स्टॉक आ रहा है और बाकी ऐसे चेक करते हैं, कोई मिड कैप स्टॉक अगर मिलेगा तो ज्यादा बेटर है। एम फाइनेंस चल रहा है, एच डी एफ सी लाइफ चल रहा है, ठीक है। दो तीन स्टॉक्स है रेडार पर तो चेक करते हैं। एक तो बीपीसीएल है, बीपीसीएल ऐड करते हैं यहाँ पर, बीपीसीएल है, एमएनएम फाइनेंस है। फाइनेंस कंपनीज में आज ब्रेकआउट है, पूना वाला फाइनेंस है, पूना वाला फाइनेंस है, ये स्टॉक है। और भी चेक करते हैं और कौन सा स्टॉक रेडार पर है। एचडीएफसी लाइफ है, एचडीएफसी लाइफ और आईडीबीआई, एचडीएफसी लाइफ और आईडीबीआई, ठीक है। तो ये भी ऐड करते हैं, चेक करते हैं कौन सा स्टॉक में क्लियर ब्रेकआउट है, वही ट्रेड लेंगे हम लोग आईडीबीआई। तो वॉल्यूम के हिसाब से टोटल 5 स्टॉक्स मिल रहे हैं, इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे, ठीक है? तो पहले बीपीसीएल का चार्ट देखते हैं। बीपीसीएल में चार्ट स्ट्रक्चर कन्विंसिंग नहीं है, ग्रीन कैंडल बना है यहाँ पर, बट ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया है। दिख रहा है क्या? यस और नो प्लीज रिप्लाई। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? तो बीपीसीएल में आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बीपीसीएल में अभी ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है? बीपीसीएल सिर्फ मार्केट वॉच में ऐड करके रखो, ट्रेड अभी नहीं लेना है, पैटर्न उतना परफेक्ट नहीं है। एमएनएम फाइनेंस देखते हैं, इसमें क्लियर ब्रेकआउट है क्या? इसमें क्लियर ब्रेकआउट है, आंसर इज यस। इसका आवरली चार्ट भी देख लेते हैं एक बार, क्लियर ब्रेकआउट है, बट इसने गैप फिल किया है, बस गैप के आसपास रेजिस्टेंस लिया है इसने, थोड़ा वेट करते हैं। इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बट थोड़ा मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, वेट करेंगे, वेट करके ट्रेड लेंगे। इतना भी स्ट्रक्चर इसका बेटर नहीं है कि इमीडिएट बेसिस पे ट्रेड ले ले, लेकिन थोड़ा वेट करके ट्रेड लेंगे हम लोग एमएनएम फाइनेंस पे। बीपीसीएल तो एक बार मैंने रिमूव कर दिया है। पूना वाला फाइनेंस ये भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी ब्रेकआउट आया है, इसमें भी वैसा ही कैंडल है जैसा एमएनएम फाइनेंस का कैंडल है, सेम कैंडल है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सेम कैंडल है। इनफैक्ट इसमें तो वॉल्यूम भी कम है, तो उसको भी थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। एचडीएफसी लाइफ में क्लियर ब्रेकआउट लग रहा है, यस एचडीएफसी लाइफ में क्लियर ब्रेकआउट है, बट एचडीएफसी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये जो लेवल है ना ये क्रॉस होना चाहिए, 588 के लेवल के ऊपर बाई करना है एचडीएफसी लाइफ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लियरली एक कप पैटर्न बन रहा है, दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई, क्लियरली एक कप पैटर्न है, दिखा कप पैटर्न? यस और नो, करेक्ट। कप पैटर्न का ब्रेकआउट दे सकता है एचडीएफसी लाइफ, तो एचडीएफसी लाइफ पे हम लोग ध्यान देंगे, इसमें क्लियर ब्रेकआउट है, ठीक है? इसमें क्लियर ब्रेकआउट है, कप पैटर्न के आसपास ही है, वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, तो इसमें हम लोग ट्रेड लेंगे। मेरे हिसाब से इसमें आपको ट्रेड लेना चाहिए।
प्योरली इंट्राडे, प्योरली इंट्राडे, कोई स्विंग वगैरह कुछ नहीं है, प्योर इंट्राडे ट्रेड है। मैंने मैसेज किया है, चेक कर लो। ठीक है, मैंने मैसेज किया है, चेक कर लो। HDFC लाइफ का आपको मैसेज मिला होगा, चेक कर लो। IDBI देखते हैं, IDBI में HW कैंडल बन रहा है तो इसको कंप्लीटली इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे। ये HW कैंडल है, अगर आपको दिख रहा होगा क्लियरली मेरा स्क्रीन, HW कैंडल है। इनफैक्ट HW भी नहीं है, थोड़ा डोजी टाइप कैंडल है, तो इसको कंप्लीटली इग्नोर करेंगे। तो अभी तक हम लोग ने सिर्फ एक ट्रेड लिया है, दैट इज HDFC लाइफ। ये एक परफेक्ट ट्रेड मिला है, बाकी अभी तक फिलहाल परफेक्ट ट्रेड नहीं मिला है, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। मैंने फाइनेंस वेट एंड वॉच वाला ट्रेड है, पुना वाला फाइनेंस भी वेट एंड वॉच वाला ट्रेड है, थोड़ा वेट एंड वॉच करके उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। सिर्फ एक HDFC लाइफ कंफर्मेशन वाला ट्रेड मिला है। शॉर्ट में भी देख लेते हैं, शॉर्ट में कोई स्टॉक रेडार पर है क्या, वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। शॉर्ट में भी चेक करते हैं कोई स्टॉक रेडार पर है क्या, और बाय वाले अलग फिल्टर में भी चेक कर लेते हैं कोई स्टॉक रेडार पर है क्या। नहीं, शॉर्ट में तो अभी तक कोई स्टॉक रेडार पर आया नहीं है, तो थोड़ा वेट करेंगे। बाय वाले में और किसी फिल्टर में है क्या, नहीं है। यहाँ पर और किसी फिल्टर में है, अच्छा यहाँ पर कुछ स्टॉक्स मिले हैं। M&M फाइनेंस है, ठीक है, इंदस टावर है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, इंदस टावर है, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंदस टावर, गोदरेज प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग। इंदस टावर ये एक स्टॉक रडार पर आया है, और गोदरेज प्रॉपर्टीज देखेंगे, ये स्टॉक रडार पर आया है, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये चेक कर लेते हैं। और एक और स्टॉक आया, तल्ला सॉल्यूशन, मिड कैप में तल्ला प्लेटफॉर्म, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, तल्ला प्लेटफॉर्म्स, तो मिड कैप में काउंटर में ये स्टॉक आया, ये चेक करते हैं। ठीक है, ज्यादा ट्रेड नहीं है आज, कन्विक्शन वाले ट्रेड नहीं है, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हो गया, निफ्टी नीचे आ रहा है, तो थोड़ा स्मार्टली ट्रेड करना पड़ेगा। एक HDFC लाइफ ही परफेक्ट ट्रेड मिला है अभी तक। इंडस टावर देखते हैं, इंडस टावर में क्लियर ब्रेकआउट है, आंसर इज यस, क्लियर ब्रेकआउट है, बट इमीडिएटली रेजिस्टेंस भी है। अगर हम लोग 15 मिनट का चार्ट देखें तो भी क्लियर ब्रेकआउट है, आंसर इज यस, क्लियर ब्रेकआउट है। और अगर हम लोग डेली चार्ट देखते हैं तो डेली चार्ट के हिसाब से भी क्लियर ब्रेकआउट है। इसने फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, फॉलिंग वेज एक पैटर्न होता है, उसका ब्रेकआउट दिया है, दिख रहा है क्या, प्लीज रिप्लाई। इंडस टावर दिख रहा है मेरा स्क्रीन, ये फॉलिंग वेज है, ये फॉलिंग वेज पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, फॉलिंग वेज पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया है, तो मेरे हिसाब से ये चलना चाहिए, मेरे हिसाब से इंडस टावर चलेगा आज, क्योंकि ये काफी अच्छा रैली हुआ था यहाँ पर, यहाँ से इनफैक्ट रैली हुआ था, ये फॉलिंग वेज बनाया, अब ये वापस ब्रेकआउट दिया है, तो इसका टारगेट अप्रोक्सीमेटली 330 तक आता है। स्विंग ट्रेड की बात करें ना तो 330 तक टारगेट आता है इसका, तो इंडस टावर में हम लोग ट्रेड लेंगे, आंसर इज यस। इसका मैं आपको मैसेज करता हूँ थोड़ी देर में, 5-7 मिनट वेट कर लेंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे। और गोदरेज प्रॉपर्टीज देखते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज का भी चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन थोड़ा ठीक है चार्ट स्ट्रक्चर इतना। ये देखो गोदरेज प्रॉपर्टीज में ये गैप रेजिस्टेंस है यहाँ पर, जब तक ये गैप क्रॉस नहीं करेगा ना तब तक थोड़ा चांसेस कम है, ये गैप के बाद में यहां तक जा सकता है, ये जो लेवल है ना यहां तक जा सकता है, ये रेजिस्टेंस है, एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और यहाँ तक आ सकता है 1800 तक, अगर ये गैप पूरा क्रॉस कर दिया तो, ठीक है, तो 1650 पहला टारगेट है और उसके बाद में 1800 का टारगेट है। इज दिस पार्ट क्लियर?
समझ में आ रहा है क्या? एनालिसिस समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इंडस टावर देख लेते हैं हम लोग, और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। वेट 1 मिनट, इंडस टावर का मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज का मैसेज कर रहा हूँ। वेट 1 मिनट, इंडस टावर एट द रेट 268 में ले लो, थोड़ा सा डिप आने दो 1 रुपया, उसके बाद में ले लेते हैं। स्टॉप लॉस चेक कर लेते हैं, इसमें क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा आता है, ठीक है, स्टॉप लॉस इसका थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, लेकिन ठीक है, ट्राई करते हैं। प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड अगर हो जाएगा तो ज्यादा बेटर है। मैंने मैसेज किया है, चेक कर लो। स्विंग ट्रेड के हिसाब से भी आप होल्ड कर सकते हो इसको। मेरे हिसाब से थोड़ा स्विंग के लिए अगर आप देखोगे तो ज्यादा बेटर है। इंट्राडे भी मैंने कुछ टारगेट दिया है इंडस टावर का, ठीक है, इंट्राडे भी मैंने टारगेट दिया है, स्विंग टारगेट भी मैंने मैसेज किया है, चेक कर लो। स्विंग का टारगेट 330 का है, थोड़ा बड़ा टारगेट है, ये भी मैंने मैसेज किया, चेक कर लो। तो अभी तक हम लोग ने HDFC लाइफ में ट्रेड लिया है और इंडस टावर में ट्रेड लिया है, ठीक है, तनला में नहीं लिया है, HDFC लाइफ में लिया है। तनला सॉल्यूशन भी देख लेते हैं इसमें क्या हुआ है। नहीं, इसका पैटर्न उतना कन्विंसिंग नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, तो ये हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। पूना वाला फाइनेंस भी इसलिए मैं ट्रेड नहीं ले रहा था क्योंकि ये गैप रेजिस्टेंस है, यहाँ पर पूना वाला फाइनेंस में गैप लेके नीचे आया रेजिस्टेंस लेके। M&M फाइनेंस भी इसलिए मैं नहीं ले रहा था क्योंकि एग्जैक्टली गैप फिल किया, उसके बाद नीचे आया। ये देखो यहाँ पर है M&M फाइनेंस, तो परफेक्टली आपको समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये देखो एग्जैक्टली, सिर्फ मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस है, इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस है। कितना इंपॉर्टेंट लेवल है ये दिख रहा है क्या? प्लीज रिप्लाई, कितना इंपॉर्टेंट लेवल है दिख रहा है मेरा स्क्रीन? जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, आपको ये समझ में आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। M&M फाइनेंस इसलिए हम लोग ट्रेड नहीं ले रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी ट्रेड है पर थोड़ा वेट करके लेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज में। इंडस टावर एक कंफर्मेशन वाला ट्रेड है, HDFC लाइफ एक कंफर्मेशन वाला ट्रेड है, ये भी ट्रेड ले लेते हैं मेरे हिसाब से। गोदरेज प्रॉपर्टीज ठीक है, ले लेते हैं, लेट्स टेक गोदरेज प्रॉपर्टीज भी ट्रेड ले लेते हैं हम लोग। मैसेज किया है, चेक कर लो। गोदरेज प्रॉपर्टीज का भी मैंने मैसेज कर दिया, चेक कर लो। नहीं, प्रोटेक्टिव पुट आपको क्यों करना है? आपको क्रेडिट स्प्रेड कर लो, चाहे कॉल बुल कॉल स्प्रेड कर लो। प्रोटेक्टिव पुट में क्या होता है, आप फ्यूचर बाय कर रहे हो, ठीक है, फ्यूचर बाय करोगे, स्टॉक्स का फ्यूचर है, मार्जिन ज्यादा लगेगा, मार्जिन ज्यादा ब्लॉक होगा, भले आप पुट बाय कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको मार्जिन ज्यादा लगेगा मिस्टर विशाल। उससे बेटर आप क्रेडिट पुट क्रेडिट स्प्रेड कर लो या बुल कॉल स्प्रेड कर लो, वो ज्यादा बेटर है। मार्जिन ज्यादा ब्लॉक नहीं करना है हमें किसी भी स्टॉक में ना, मार्जिन ज्यादा ब्लॉक नहीं करना है। अगर लेट्स से एक स्टॉक का मार्जिन है 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए और आपने उतना मार्जिन ब्लॉक कर दिया एक ही स्टॉक में, तो फिर आप बाकी में ट्रेड नहीं कर सकोगे। और प्रोटेक्टिव पुट में रिस्क ज्यादा होता है, अगर आप सिनारियो बना के देखो ना प्रोटेक्टिव पुट का, तो रिस्क थोड़ा ज्यादा आएगा, 30-40 थाउजेंड का रिस्क आ जाएगा। अगर आप
बुल कॉल स्प्रेड करोगे तो रिस्क कम आएगा, 6-7 हज़ार रुपये का ही रिस्क आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको ऐसा ट्रेड दिया है। तो अभी तक हम लोग ने 3 ट्रेड लिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडस टावर और एचडीएफसी लाइफ, 3 ट्रेड लिए अभी तक। थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, निफ्टी बेरिश नहीं है, निफ्टी शॉर्ट मत करना, कोई भी एंगल से शॉर्ट मत करना निफ्टी, निफ्टी बेरिश नहीं है, शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना आपको। थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे, 10 बजे का कैंडल फॉर्म होने दो, उसके बाद ट्रेड लेंगे। कितने लोग को याद है कल हम लोगों ने कौन सा पैटर्न देखा था डेली चार्ट पे? याद है कितने लोग को? याद है डेली चार्ट पे कौन सा पैटर्न देखा था? याद है तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था निफ्टी में, क्या होगा तब हम लोग क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट कंसेप्ट याद है? रिट्रेसमेंट कंसेप्ट करेक्ट। तो रिट्रेसमेंट कंसेप्ट में हम लोग बाइंग की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे। कैन यू हियर मी? प्लीज रिप्लाई। रिट्रेसमेंट कंसेप्ट में हम लोग बाइंग की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे, करेक्ट? आई होप आपको याद होगा। यस यस, इंडस टावर थोड़ा सा वॉलेटाइल है, नीचे आया है, वेट करेंगे, वेट करेंगे, इतना पैनिक नहीं होना है, थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि निफ्टी नीचे आ रहा है ना, इसीलिए नीचे आया, थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा वॉलेटिलिटी आपको मिलेगा। इंडस टावर का आवरली चार्ट प्लॉट करते हैं, देखते हैं। ओ, कैंडल थोड़ा खराब बना है, ये लेवल वापस रिटेस्ट करने आया है, ये लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, 260 के नीचे, 260 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये लेवल वापस रिटेस्ट करने आया है, ये दिख रहा होगा, ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस टावर में, तो ये लेवल के आसपास सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाना चाहिए। निफ्टी जोर से नीचे आया, राइट? निफ्टी 17,317, निफ्टी थोड़ा जोर से नीचे आया। निफ्टी थोड़ा रिकवर होगा तो वापस सब रिकवर हो जाएगा, शॉर्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना है, निफ्टी बेरिश है ही नहीं, कोई भी एंगल से बेरिश नहीं है, दिस इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट। अगर आपको रिट्रेसमेंट कंसेप्ट याद है, दिस इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट में आपको बाइंग करना है, सेलिंग नहीं करना है, रिट्रेसमेंट में बाइंग करना है, शॉर्ट नहीं करना है। यस, निफ्टी वाला स्ट्रेटजी हम लोग लेंगे, निफ्टी वाला स्ट्रैटेजी हम लोग लेंगे, सॉरी बैंक निफ्टी वाला, करेक्ट, जो हमारा डेली बेसिस पे वाला स्ट्रैटेजी है बैंक निफ्टी, वो हम लोग लेंगे। यस, आज ही लेंगे बैंक निफ्टी वाला स्ट्रैटेजी, आफ्टरनून वाले वेबिनार में लेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा उसके पहले ही, उसके पहले मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। निफ्टी शॉर्ट नहीं करना है, ये लेवल पे बाइंग इनिशिएट करना है, शॉर्ट नहीं करना है।
आपको अपने जैसे टाइम मिलेगा आप अपने हिसाब से ट्रेड ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसे टाइम मिलेगा आप अपने हिसाब से ट्रेड ले लेना। पांच मिनट वेट करेंगे, उसके बाद 10 बजे बाद वापस स्टॉक स्कैनिंग करेंगे। 10 बजे का कैंडल पूरा फॉर्म होने दो। दस बजे के बाद वापस स्टॉक स्कैनिंग करेंगे, 3-4 मिनट और वेट करेंगे। बैंक निफ्टी सपोर्ट के आसपास आया है, 38,000 के नीचे मुझे नहीं लगता है बैंक निफ्टी, 37,000 इनफैक्ट ये लेवल सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी के लिए। तो 37,900, 37,850 अगर ये लेवल आता है ना तो बैंक निफ्टी में हम लोग बाइंग पोजिशन बना सकते हैं। करेक्ट, निफ्टी में ये लेवल आता है तो 17,300 के आसपास या 17,250 के आसपास तब हम लोग निफ्टी में बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं, 17,250 के आसपास अराउंड। शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट मत करना बिल्कुल भी, बाइंग पोजीशंस बनाने पे ज्यादा फोकस करना। ऑप्शंस राइटिंग अगर कोई ट्रेड होगा तो मैं आपको दे दूंगा। ऑप्शंस राइटिंग कोई ट्रेड होगा तो मैं आपको दे दूंगा, वेट 1 मिनट, थोड़ा वेट करेंगे उसके बाद ट्रेड लेंगे। IRCTC चल रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज भी चल रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज भी थोड़ा नीचा है, एक्चुअली निफ्टी नीचा है ना, गोदरेज प्रॉपर्टीज भी थोड़ा नीचा है। अगर ये क्रॉस कर देगा ना हर्डल तो 1650 तो आज ही लग रहा है, थोड़ा निफ्टी सपोर्ट करना चाहिए बस, 1650 तो आज ही लग रहा है। वेट करते हैं थोड़ा, निफ्टी थोड़ा सा ट्रिकी है, बुलिश है लेकिन थोड़ा वॉलेटाइल है, तो स्टॉक्स भी वॉलेटाइल हो रहे हैं ऐसा है। और कौन सा स्टॉक रडार पर आ रहा है? तनला है, क्रिसिल भी आया है भाई, ठीक है क्रिसिल भी बाय आया है, क्रिसिल भी चेक कर लेंगे, क्रिसिल एक स्टॉक है ये भी बाय आया है। क्रिसिल पे ध्यान देना है, क्रिसिल मार्केट वॉच में ऐड कर लो, क्रिसिल भी बाइंग लग रहा है। क्रिसिल में भी कैंडल थोड़ा बहुत, कैंडल सही नहीं बना इसमें, डेली कैंडल देखे तो अभी भी रेड कैंडल है, इतना रिकवरी होने के बाद भी रेड कैंडल बना है, हैमर कैंडल है बट रेड कैंडल है, प्रॉब्लम ये है। इट्स अ प्रॉपर हैमर है, ये परफेक्ट हैमर कैंडल बना एक्चुअली, बट ये रेड रेड हैमर है, इसको ग्रीन होने दो उसके बाद ट्रेड लेंगे, इसको ग्रीन हैमर होने दो उसके बाद ट्रेड लेंगे। रेड हैमर है, थोड़ा और ऊपर जाने दो, ग्रीन होने दो उसके बाद ट्रेड लेंगे। आवरली पे भी जाएंगे तो वही है, ग्रीन होने दो उसके बाद ट्रेड लेंगे इसमें, बट क्रिसिल ऐड कर लो, 3,000 तक टारगेट लग रहा है मुझे, 3,000 तक जा सकता है क्रिसिल, क्रिसिल ऐड कर लो। निफ्टी देखो जोर से ऊपर आया, निफ्टी मैंने आपको बोला भी जोर से ऊपर आ जाएगा, निफ्टी जोर से ऊपर आया, करेक्ट, निफ्टी 17,500 टारगेट लग रहा है निफ्टी का,
17,500 टारगेट लग रहा है। वॉलेटाइल है लेकिन आज, और स्टॉक स्कैनिंग करते हैं, वेट 1 मिनट, 10 बज गया है, और स्टॉक स्कैनिंग करेंगे हम लोग, एक दो शॉर्ट वाला भी ट्रेड लेते हैं, थोड़ा वॉलेटिलिटी है मार्केट में आज, अगर कोई शॉर्ट वाला ट्रेड मिलता है एक दो शॉर्ट वाला भी ट्रेड लेते हैं, थोड़ा वॉलेटिलिटी है मार्केट में। नो 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 मिस्टर किशन अरवानी, नो नो, 17,150 निफ्टी में नहीं लगता है, 200-250 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मिस्टर कृष्णा चंद अरवानी, शॉर्ट मत करो, वापस बोल रहा हूँ शॉर्ट मत करो, 17,200-250 काफी अच्छा सपोर्ट है, बाइंग की तरफ ही ज्यादा फोकस करना है, शॉर्ट नहीं करना है, बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। ये रिट्रेस करेगा, ये वापस फॉल हो जाएगा, ये सब मत सोचो, बाइंग की तरफ ही ज्यादा फोकस करना है। कल आपको याद है मैंने M&M बाय दिया था इंट्राडे में, M&M देखो आज भी ऊपर है, M&M हम लोग ने बाय लिया था इंट्राडे में, अगर आपको याद है M&M आज भी ऊपर है, 2% आज भी ऊपर है, ये देखो सिर्फ एक इंडस टावर थोड़ा सा ट्रिकी ट्रेड है, बाकी सब बराबर है, HDFC लाइफ भी परफेक्ट ट्रेड है, गोदरेज प्रॉपर्टीज भी परफेक्ट ट्रेड है, सिर्फ एक इंडस टावर थोड़ा सा, मतलब जितना इतना नीचे नहीं आना चाहिए था, 264-265 तक डीप ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा डीप दे दिया इसने, और कोई स्टॉक शॉर्ट में है नहीं, बाइंग में भी और कोई नया स्टॉक नहीं है, सिर्फ क्रिसिल आया है 10 बजे के बाद जो स्कैन किया उसमें सिर्फ क्रिसिल आया है, तो थोड़ा वेट करेंगे, क्रिसिल एक स्टॉक आया है बस। ये क्या स्टॉक चल रहा है, यूफ्लेक्स, यूफ्लेक्स देखेंगे, यूफ्लेक्स भी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले लिया था ट्रेड याद होगा, इसमें भी कैंडल काफी अच्छा बन रहा है, इसको भी थोड़ा मार्केट वॉच में ऐड करके रखना है यूफ्लेक्स को। गोदरेज प्रॉपर्टीज चलेगा मेरे हिसाब से, 1650 और 1800 तक का टारगेट है, हीरो मोटो चेक करते हैं, हीरो मोटो क्या चल रहा है, हीरो मोटो और ऊपर हो गया ठीक है, बंधन बैंक चेक करते हैं, अच्छा हीरो मोटो और ऊपर हो गया, 2820 हो गया ठीक है, बंधन बैंक 331 का है बना क्या, ओ हो, बंधन बैंक मैंने कल एग्जिट किया था CNBC आवाज पे 326 में, 325.50 ऐसा में एग्जिट किया था मैंने, बंधन बैंक थोड़ा और ऊपर हो गया, थोड़ा वेट करेंगे, और कोई फ्रेश ट्रेड नहीं है, कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं है, तो थोड़ा वेट करेंगे, एक बार स्टॉक स्कैनिंग और कर लेते हैं, पर कोई कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं मिला है, सेल में भी कोई कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं है, आवरली पे भी नहीं है, डेली पे भी नहीं है, शॉर्ट में ऐसे भी देख लेते हैं कोई कन्विक्शन वाला ट्रेड है क्या, ऐसे भी नहीं है, कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं है, थोड़ा वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। सिर्फ एक M&M फाइनेंस ट्रेड है, कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं है, M&M फाइनेंस ही ऐड करते हैं,
ये सिर्फ ऐड करके रखो, मैं आपको बोलूंगा तब ट्रेड लेना, अभी ट्रेड नहीं लेना है। M&M फाइनेंस ही एक ट्रेड है जो कन्विक्शन वाला है, इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है आज, पर मैं आपको मैसेज करूंगा ये लेवल क्रॉस होने दो, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे हम लोग, ऐसे ट्रेड नहीं लेंगे, ये लेवल क्रॉस होने दो। यहाँ पे काफी ज्यादा हर्डल है M&M फाइनेंस में, आपको दिख रहा होगा काफी ज्यादा हर्डल है ये एरिया में, ये एरिया ब्रेक करेगा तो फिर 190 तक जा सकता है, 190 195 तक जा सकता है, ये एरिया ब्रेक करना चाहिए, 165 168 का जो रेजिस्टेंस है ना ये ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद ऊपर जा सकता है, तो थोड़ा वेट करेंगे। और कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं है, जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेंगे, तीन ही ट्रेड लिया हम लोगों ने, कोई नया ट्रेड मिलेगा मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा वो चलेगा, लेकिन जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है, जस्ट बिकॉज वेबिनार में ट्रेड देना इसलिए ट्रेड ले लो, ऐसा नहीं, ऐसे ट्रेड नहीं लेंगे हम। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी वॉलेटाइल है, वोलेटिलिटी ज्यादा है, ये रिमूव कर देते हैं, थोड़ा वेट ही करेंगे ज्यादा बेटर है। निफ्टी भी वॉलेटाइल है आज, बैंक निफ्टी भी वॉलेटाइल है, बैंक निफ्टी यहां तक आ सकता है रिट्रेसमेंट, इंडेक्स वाला ट्रेड अभी तक है नहीं कोई, अगर मैं आपको लेट से कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ऑप्शंस राइटिंग का ट्रेड। यस, कल से हम लोग ट्राई करेंगे, एवरी थर्सडे हम लोग एक्सपायरी स्ट्रैटेजी भी लेंगे, कितने लोगों को एक्सपायरी स्ट्रैटेजी चाहिए वेबिनार में प्लीज रिप्लाई, एक्सपायरी स्ट्रैटेजी इंट्राडे कितने लोगों को चाहिए, हम इफ यू वांट एक्सपायरी स्ट्रैटेजी, तो कल से हम लोग एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी भी स्टार्ट करेंगे, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज मिल जाएगा एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी। ठीक है, वो भी आपको कल से मिलना चालू हो जाएगा। अभी तक हम लोग ने तीन ट्रेड लिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज बाय, इंडस टावर बाय और HDFC लाइफ बाय, इसके अलावा और कोई ट्रेड नहीं लिया है, तीन ही ट्रेड लिए। ठीक है, आई थिंक ये तीनों स्टॉक में मूवमेंट आएगा, लेकिन थोड़ा वॉलेटाइल है मार्केट, तो आफ्टरनून तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। गोदरेज प्रॉपर्टीज का स्ट्रक्चर अच्छा है, HDFC लाइफ का स्ट्रक्चर अच्छा है, इंडस टावर थोड़ा सा ट्रिकी है, इतना डिप नहीं देना चाहिए था, 264-265 तक ही डिप देना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो इंडस टावर का ही ट्रेड एक थोड़ा ट्रिकी है, और कोई फ्रेश ट्रेड आया नहीं है, सिर्फ एक क्रिसिल आया है। ठीक है, क्रिसिल हम लोग नहीं ले रहे क्योंकि कैंडल अभी भी रेड है, इसको ग्रीन होने दो पूरा, तो थोड़ा वेट करेंगे। जबरदस्ती ट्रेंड नहीं लेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। IRCTC आ रहा है, बैंकिंग स्टॉक कौन सा ऊपर है चेक कर लेते हैं फटाफट, बैंकिंग स्टॉक में IDFC, अच्छा IDFC फर्स्ट बैंक है, RBL बैंक ऊपर है, कोटक बैंक भी ऊपर है, इंडसइंड बैंक भी ऊपर आया है, ठीक है कोटक बैंक भी ऊपर आ रहा है क्या, कोटक बैंक भी ऊपर आ रहा है, ठीक है HDFC भी ऊपर है, SBI थोड़ा वीक लग रहा है, SBI थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है आज, जितना कल स्ट्रांग था उतना नहीं है। HDFC लाइफ टॉप गेनर है, M&M टॉप गेनर है, अदानी पोर्ट भी है, डिवी स्लैब भी ब्रेकआउट लग रहा है, हीरो मोटो है, BPCL, BPCL भी नीचे आ गया, करेक्ट BPCL मैंने आपको बोला भी नीचे आ गया है। ठीक है, वेट ऑन मिनट, एशियन पेंट और जुबिलेंट फूड, वेट ऑन मिनट, एशियन पेंट्स यस होल्ड कर सकते हैं, फ्लैट है कोई प्रॉब्लम नहीं है,
जुबिलेंट फूड, जुबिलेंट फूड भी होल्ड कर सकते हैं। इसका मैंने स्टॉप लॉस क्या हुआ, क्या दिया हुआ है जुबिलेंट फूड का? स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है, वेट ऑन मिनट। जुबिलेंट फूड का स्टॉप लॉस क्या दिया था हम लोगों ने? 3050। तो डिप है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड कर सकते हैं। यस, क्या होता है नॉर्मली 5-6% का स्टॉक में मूवमेंट आने के बाद स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट में चला जाता है, तो स्टॉप लॉस टारगेट के हिसाब से होल्ड करना है, पैनिक नहीं होना है। स्टॉप लॉस टारगेट के हिसाब से होल्ड करना है। रिलायंस में भी होल्ड करना है, कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं है। रिलायंस में भी होल्ड करना है, पैनिक होने का जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना है। जस्ट बिकॉज निफ्टी थोड़ा नीचे आया ना, तो ये स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं है। सेकेंड हाफ में मुझे लगता है रिलायंस भी ऊपर आ जाएगा, निफ्टी भी ऊपर आ जाएगा। आफ्टर 1 PM, आफ्टर 12:30, 12:30, 1 बजे के बाद में रिलायंस भी ऊपर आ जाएगा, निफ्टी भी ऊपर आ जाएगा। दिस इज माई व्यू, ये मेरा व्यू है। मुझे लग रहा है रिलायंस भी ऊपर आ जाएगा, निफ्टी भी ऊपर आ जाएगा। 17,500 का टारगेट है मेरा। तो आप अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान करना, 17,500 का टारगेट है निफ्टी का। दिस इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट है, अगर आप डेली चार्ट देखोगे ना निफ्टी का, दिस इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट, कुछ नहीं है, रिट्रेसमेंट है, वापस ऊपर चला जाएगा। थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा आज मार्केट, इतना इजी मार्केट नहीं रहेगा, वन साइडेड नहीं रहेगा, थोड़ा सा वॉलेटाइल है। अभी फिलहाल ज्यादा ट्रेड नहीं मिले हैं, बट व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना, कोई भी फ्रेश ट्रेड आएगा ना मैं आपको तुरंत व्हाट्सएप कर दूंगा। और 2:30 बजे वाले वेबिनार में मिलते हैं, 2:30 के वेबिनार में मिलेंगे। सो हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू, सी यू इन आफ्टरनून वेबिनार एट 2:30, 2:30 बजे के वेबिनार में मिलेंगे। व्हाट्सएप पे थोड़ा एक्टिव रहना, कोई फ्रेश ट्रेड मिला तुरंत मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, ठीक है? तो थोड़ा व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना। सी यू इन आफ्टरनून वेबिनार।